चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ प्रोटॉन ऑफ मास स्मॉल m एंड चार्ज प्लस e इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड विथ एनर्जी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. व्हाट शुड बी द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जिसका मास 4m है और चार्ज 2e है सो दैट इट कैन रिवॉल्व इन द पाथ ऑफ सेम रेडियस. उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए. सबसे पहले रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी बाई क्यू बी, ये एक होता है और दूसरा क्या होता है, एक और होता है, कौन सा होता है, आर इजिकल टू 2 KM/QB, ये होता है. तो हम ये इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एनर्जी के बारे में क्या हुआ है, तो अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के लिए करते हैं तो क्या होगा, 2K ठीक है ऑफ प्रोटॉन m ऑफ प्रोटॉन अंडर रूट में डिवाइडेड बाई q ऑफ प्रोटॉन इंटू मैग्नेटिक फील्ड. अल्फा पार्टिकल के लिए क्या होगा, 2K alpha m alpha अंडर रूट में डिवाइडेड बाई क्यू अल्फा इंटू बी. अब ये कह रहा है ये दोनों वैल्यू सेम होने के लिए एनर्जी कितनी होनी चाहिए अल्फा पार्टिकल की, तो दोनों सेम होने के लिए मतलब आर पी इज इक्वल टू आर अल्फा, इक्वेट कर दें 2 KP mp अंडर रूट में अपॉन क्यू पी इंटू बी इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 K alpha m alpha डिवाइडेड बाई क्यू अल्फा इंटू बी. बी से बी कटा ठीक है, 2 से 2 √2 से √2 कट जाएगा ठीक है. अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, के पी इंटू एम पी अंडर रूट में क्यू पी इज इक्वल टू के अल्फा इंटू एम अल्फा अपॉन क्यू अल्फा ठीक है. अब वैल्यू पुट करते हैं सीधे, के पी की वैल्यू क्या है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है, 1 मिलियन रहने देते हैं इसको एज इट इज ठीक है. और एम पी की वैल्यू क्या होगी, एम पी की वैल्यू हो जाएगी, एम पी की वैल्यू एम हो गई अपॉन क्यू पी की वैल्यू कितनी है, ई है, के अल्फा एम अल्फा की वैल्यू 4m हो जाएगी अंडर रूट में डिवाइडेड बाई 2e, e से e कटा ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे आएगा, इधर लिख लेते हैं m इज इक्वल टू के अल्फा इंटू 4m अपॉन 4, m से m गया 4 से 4 गया, के अल्फा इज इक्वल टू 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आना चाहिए. कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.